हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस। मैं हूं सुनील सर और आप मेरे साथ आ रहे हैं अगले दौर के रिडंडेंसी एरर, जिसको कि हम डुप्लीकेशन एरर भी कहते हैं। डुप्लीकेशन एरर के साथ में अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं हमारे अगले स्लॉट की तरफ। आपको मैंने पहले भी बताया था, इफ यू रिमेंबर यू नो व्हाट वी एग्जैक्टली वांटेड टू टेल यू इज दैट इफ यू हैपन टू सी द प्रॉब्लम्स यू नो दैट इज नॉट बेसिकली कन्फाइंड टू लैंग्वेज ओरिएंटेशन, बट प्रश्न के साथ साथ भाषा के साथ साथ वो किसी और चीज से भी जुड़े होते हैं और वो उसमें बेसिकली एक एरर हमारी आती है कि हम चीजों को डुप्लीकेट क्यों करते हैं, सुपरफ्लोस क्या करते हैं, या हम उसका रिपीटिशन जो है लॉन्च करते हैं किसी चीज का वो क्यों करते हैं। लॉकडाउन के पैच चल रहा है, हमारे पास टाइम काफी है, एग्जाम्स कैंसिल पे कैंसिल होते चले जा रहे हैं, फ्रेश डेडलाइंस हमारे पास नहीं आ रही है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं टीचिंग पॉइंट्स के थ्रू आपको, ताकि बेसिकली चीजों को नोटिस करने मिले। यहाँ एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो, कि हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे और हम इसको और फर्दर एक अपर स्ट्रेटम की ओर लेकर के चलते हैं, जहां दिक्कतें ये आएंगी कि हमको क्या हम उसको भली भांति परिचित हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम आपको इसमें आएगी तो आपको इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, एरर फाइंडिंग, डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी स्लॉट्स को आप इजिली क्लिक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं लॉकडाउन फेज में हमारे ये जो 21 दिन का गैप था उसको फिल करने के लिए हम किस तरह की बेसिक टीचिंग्स को लाइन फॉलो कर सकते हैं। 1 से 25 का स्लैब मैंने पहले भी दिया था आपको, एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि नेक्स्ट स्लैब में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस में अगर हम चलते हैं, अगर एक क्वेश्चन को ले जाए आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये कहें कि फर्स्ट 26 को देखें या फर्स्ट बिगेन द वर्ल्ड वॉर, हम जैसे कहते हैं द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगेन, ठीक है भाई, ओके चलो फर्स्ट बिगेन, कब बिगेन हुई फर्स्ट, चलो फर्स्ट, और कोई भी चीज बिगिन होती है तो बिगिन माने शुरू, और कब से शुरू, उत्तर पहले शुरू। तो अगर वो शुरू हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि वो पहले से शुरू होगी, तो हमको क्या करना है, बिगिन को रखना है और इसके साथ साथ हमें फर्स्ट को क्या करना है, काट देना है। ऐसे ही बिगिनिंग को आप न्यू से भी नहीं जोड़ सकते, कोई चीज अगर बिगिनिंग में है तो याद रखें वो हमेशा न्यू है। तो आपने सीखा क्या, बहुत सिंपल मेथड में बता रहा हूं, बिगिन या बिगनिंग के साथ में आप कभी भी फर्स्ट या न्यू का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ग्रॉस एरर होगी आपके, और इस एरर से हमें क्या करना है, इस एरर से हमें प्लीज 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 बचना है, ठीक है। फॉर ए पीरियड, नंबर ऑफ डेज, तो फॉर ए पीरियड को आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है, क्यों नहीं जोड़ सकते, For a period of days, ये आप एक साथ नहीं लगा सकते, है ना, क्यों, क्योंकि पीरियड और नंबर ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम चीज है। तो आप ऐसे बोल सकते थे फॉर ए नंबर ऑफ डेज, क्या बोल सकते थे बड़ी आसानी से, फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक लगातार, और ऐसे में ये आपका बिल्कुल क्या हो जाता, राइट हो जाता। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से पता है बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैं झूठ नहीं कहता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल में प्रूव करवा सकता हूं, इवन ट्विटर पे क्या करते हैं वो लोग ट्वीट जब करते हैं तो ट्वीट करते समय भी यही लिखते हैं कि इंडिया का फॉरेन इंपोर्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली मुझे आप एक बात बताओ, आप जब भी इंपोर्ट करोगे कहां से करोगे, इंपोर्ट का तो सोर्स ही क्या है, इंपोर्ट का तो सोर्स ही फॉरेन है, जब इंपोर्ट का सोर्स ही फॉरेन है तो आपके इंपोर्ट जब भी होंगे वो विदाउट फॉरेन होंगे, आपके इंपोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, इंडियाज इंपोर्ट। आप क्या बोलोगे मेरे साथ, जब इस क्वेश्चन को हमको लीड में लेना होगा तो हमको हमेशा ऐसे बोलना होगा इंडियाज इंपोर्ट, और आप इसको ऐसे करके लगाओगे, न कि इंडियाज फॉरेन इंपोर्ट नहीं बोलना है, सिर्फ आपको क्या बोलना है, इंपोर्ट बोलना है। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे, इंपोर्ट के साथ आप फॉरेन का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं फॉर एवर एंड एवर, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं एवर एंड एवर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं नेवर, फिर आप बोल सकते हैं एवर, एम आई राइट, लेकिन आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। तो फॉर एवर के साथ में एवर का यूज क्या होगा, डुप्लीकेशन एरर होगी, किसकी, एडवर्ब की, और ऐसे में क्या होगा, टाइम एडवर्ब या फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लॉट पे चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 30 की। तो इस स्लैब को अगर आप देखें, फ्री गिफ्ट, गिफ्ट जब भी आपको मिलती है उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, गिफ्ट हमेशा क्या होती है,
गलत होती है। बहुत से पैसेजेस मैंने देखे हैं जो टीचर डिजाइन करते हैं अपने बच्चों के लिए या टीचर एसटी के लिए डिजाइन करते हैं, जो ऑनलाइन पेड एसटीज चलती है उनकी मार्केट में, उनमें बहुत से टीचर्स भी ये क्वेश्चन देते हैं कि नेचर हैज बिस्टोड अस विद सम फ्री गिफ्ट्स। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि गिफ्ट जो है वो ऑलवेज क्या होती है, फ्री होती है। तो गिफ्ट को आप फ्री के साथ न जोड़ें, इसको इसके साथ जोड़ना एरर होगी और रिडंडेंसी एरर होगी। ठीक है, आई होप दिस विल बी इन योर माइंड एवर एंड एवर। देखिए मैंने फॉर एवर एंड एवर, या तो बोलिए दिस विल बी इन योर माइंड फॉर एवर, आई वॉन्ट दिस टू बी इन योर माइंड फॉर एवर, फुल स्टॉप खत्म, या एवर एंड एवर, और यू विल नेवर एवर फॉरगेट दैट, आप कभी ये नहीं भूलेंगे नेवर एवर। तो ये क्लॉज आपका जो है उस हिसाब से चला जाएगा एंड यू कैन यूज इट वेरी नाइसली। नेक्स्ट चलेंगे अपन, फिर वही बात आती है प्रॉब्लम की। कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम लाइनिंग की। ये क्या है? इनवाइटेड। ये क्या है? गेस्ट। गेस्ट कब आप बुलाते हैं? गेस्ट कब बुलाते हैं आप? जब आप गेस्ट को क्या देते हैं? इनविटेशन देते हैं। एम आई राइट? सॉरी, ये कर्सर ऊपर चला गया। गेस्ट को आप इनविटेशन देते हैं। ऐसे में जब गेस्ट को आप इनविटेशन देंगे तो क्या होगा? गेस्ट को जब इनविटेशन देंगे तो गेस्ट जो है आपके वो ऑलरेडी क्या है? इनवाइटेड है। ऐसे में आप इनवाइटेड का यूज नहीं करेंगे। आप किसके साथ? गेस्ट के साथ। गेस्ट्स हमेशा इनविटेशन से आते हैं, और जो इनविटेशन से आते हैं इसका मतलब ये तय है कि वो गेस्ट आपके ऑलरेडी क्या है? वो गेस्ट आपके ऑलरेडी इनवाइटेड है। तो इसका मतलब दोबारा से इनवाइटेड का प्रयोग नहीं हो सकता। ब्रेक थ्रू हमेशा, याद रखें, मेजर होती है। ब्रेक थ्रू हमेशा ही मेजर होती है, और ये पहली सफलता होती है। चूंकि ये पहली सफलता होती है तो मेजर आप बोल नहीं सकते, क्योंकि सफलता का पहला रूप जो होता है वो कभी मेजर नहीं होता है, राइट? तो आप इनिशियल ब्रेक थ्रू बोलते हैं या मेजर ब्रेक थ्रू बोलते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। क्रिकेट की कमेंट्री में देख लीजिए आप, 105 विदाउट लॉस, 15 ओवर में 7 रन पर ओवर की रन रेट से रन बना रहे हैं कोई टीम वाले, और 15 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा और 105 रन हो गए। और अचानक से रविंद्र जडेजा ने आई बॉल को स्विंग कराया, बैट्समैन बाहर आने की कोशिश में, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बीट हुआ, स्टंप पे लगी गेंद, या तो बोर्ड हो गया या विकेट कीपर ने, ऋषभ पंत ने, किसी ने क्या किया, उसको आउट कर दिया, स्टंप आउट। अब हम क्या बोलेंगे? इंडिया गेट्स द ब्रेक थ्रू, मच वॉन्टेड ब्रेक थ्रू। तो मेजर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि ब्रेक थ्रू हमेशा ही क्या होता है? मेजर होता है, क्योंकि इसका सबको इंतजार होता है, और जब सबको इंतजार होता है तो उसमें मेजर का प्रयोग नहीं आएगा। दोस्तों ये देखिए नंबर दिया हुआ आपको, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहां दिया हुआ एएम इन द मॉर्निंग, पीएम इन द इवनिंग। इसका मतलब है नंबर में यहां हम लगा देते हैं, जैसे कि 7 एएम इन द मॉर्निंग, ये नंबर लग गया 7। अब आप एक तरफ तो एएम भी बोल रहे हो और दूसरी तरफ आप इन द मॉर्निंग भी बोल रहे हो, इसमें क्या होगा? आप ऐसे इसको ऐसे काट दें और बोल दें 7, ध्यान दें डायलॉग को, 7 इन द मॉर्निंग, राइट? और ऐसे में पीएम तो वैसे ही कट जाएगा, है ना, इन द इवनिंग के साथ में पीएम कट जाएगा, तो आपका ये फिर से बन जाएगा, इस स्लाइड को देख ले आप, 7 इन द, ऊपर लिख देता हूं मैं आपके फायदे के लिए, 9 इन द इवनिंग, या इस तरह से, है ना, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? आगे चलिए, जब भी याद रखें कोई चीज हिस्ट्री होती है या रिकॉर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? इतिहास या रिकॉर्ड वो हमेशा बनते ही किस में है? पास्ट में बनते हैं। अगर वो पास्ट में बनते हैं तो ये डिसाइडेड है और आप इसके साथ में इसका यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? पास्ट का यूज आप हिस्ट्री या रिकॉर्ड के साथ नहीं कर सकते। एक और वर्ड इसमें जोड़ देता हूं, पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार लोग बोलने की कोशिश करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी डुप्लीकेशन एरर है, या तो और या रिडंडेंसी एरर है। देखिए इसमें कई तरह की एरर होती है, कुछ तो डुप्लीकेशन एरर होती है, कुछ रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है जहां सिंगल वर्ड से काम चल सकता था आपको एक्सपीरियंस से काम चलाना था, आपने क्या किया? पास्ट भी लगा दिया। तो ये एक तरह से क्या कहलाएगी इंग्लिश में? ये एक तरह से फ्रेंड्स एरर कहलाएगी, और इसको आपको यूज नहीं करना है। एक और चीज, प्लान। प्लान हमेशा क्या होता है? प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, am I right? और फ्यूचर का मतलब क्या है? फ्यूचर का मतलब है कि आगे के लिए योजना। जो लिखूं उसको ध्यान, क्लीन नहीं लिखा पा रहा हूं, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। यहां देखिएगा, आगे की
योजना। तो अगर ये आगे की योजना है तो अहेड की इसमें कोई जरूरत हमें नहीं थी, हमें सिर्फ किससे कराना, प्लान समथिंग फॉर पार्टी, प्लान अहेड समथिंग फॉर पार्टी नहीं हो सकता। क्यों? अहेड इटसेल्फ इज आगे और प्लान मतलब भी कोई चीज आगे होती है, तो उसे भी हम किस चीज कंटेक्स में यूज करेंगे, उसे भी हम आगे के कंटेक्स में यूज करेंगे। इनको आप एरर फाइंडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैं आपको जब प्रैक्टिस शीट्स में सॉल्व करवाऊंगा और जब मैं एनडीए सीडीएस का पेपर लेके आऊंगा आपके लिए सैंपल पेपर, जब मैं आपको 5-7 सॉल्व करवाऊंगा बकायदा, है ना, पीपीटी के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर, दैट हाउ गुड इट इज यू नो टू बी विद द पार्ट ऑफ यू नो दिस काइंड ऑफ करिकुलम, यू नो दिस काइंड ऑफ टीचिंग। थैंक यू। नेक्स्ट में चलिए, यही एक बहुत बड़ा लफड़ा है, ये एक बहुत बड़ा लफड़ा है दोस्तों। इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा आपको कि आप देखने की कोशिश करें कि जब हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, मान लो सपोज हमको कोई चीज लेनी है, ठीक है ना, ऐसे में क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किसी चीज को ले रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आंसर क्या ले रहे हैं। अब ये वर्ड है पॉसिबली, क्या है ये, पॉसिबली, और ये क्या है, माइट। ध्यान से सुनना दोस्तों, पॉसिबली क्या बताता है, एक एडवर्ब है, है ना, और ये क्या बताती है, किसी चीज के होने ना होने की संभावना, और माइट भी क्या है, माइट भी क्या बताती है, संभावना, am I right? तो अगर दोनों चीज संभावना बताती है तो आप पॉसिबिलिटी के साथ क्या कर देंगे, माइट का यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं कि कैन पॉसिबली बी, ये गलत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है उसके साथ न तो कैन आएगा और इस पॉसिबिलिटी के साथ न ही माइट आएगा, तो आप इसको काट देंगे, ठीक है। एक और वर्ड मैं आपको सिखा सकता हूं, अगर आप ध्यान से सुनना चाहें तो, यहां पर एक और वर्ड आप न लें, परहैप्स के साथ आप कभी भी क्या करें, मे का यूज न करें, क्योंकि दोनों का मतलब है शायद, और दोनों का मतलब शायद अगर है तो ये इसमें आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए गाइस हम आगे चलते हैं 37 की तरफ। पोस्टपोन है, पोस्टपोन का मतलब है आगे तक, आगे के लिए रद्द। पोस्टपोन की हिंदी क्या होती है, कुछ आगे के लिए रद्द कोई चीज अगर होती है तो पोस्टपोन होती है, तो पोस्टपोन अंटिल लेटर की जरूरत नहीं थी हमको, पोस्टपोन के साथ अंटिल लेटर की जरूरत नहीं थी या अंटिल फ्यूचर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पोस्टपोन अगर हो गई तो वो हो गई है, फिर हम उसे बैक लेने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, am I right? तो अगर उस प्रोसेस को हम इसमें कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं तो क्या होगा, फिर हमारे लिए वही प्रोसेस बचेगी ना जिसमें हम ये कहेंगे कि भाई चलो ये गलत है, अंटिल लेटर या पोस्टपोन अंटिल के साथ आप उसको यूज कर नहीं पाएंगे। अच्छा, आप जब किसी के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, जब किसी की खिलाफत करते हैं, प्रोटेस्ट का मतलब क्या हो गया, खिलाफत, यानी कि आप उसके क्या हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप 100% उसके क्या हैं, विरुद्ध हैं, और विरुद्ध हैं तो आप उसके साथ अगेंस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको ये वर्ड यानी कि प्रोटेस्ट और अगेंस्ट दोनों खिलाफत का प्रतीक है। कुछ लोग अक्सर ये गलतियां कर बैठते हैं, सर प्लीज रिपीट अगेन, मैंने क्लासरूम में देखा है 30 साल के मेरे क्लासरूम प्रोग्राम में मैंने हजारों स्टूडेंट देखे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी देखे हैं, जो हमेशा बोलेंगे प्लीज रिपीट, रिपीट बोलेंगे और रिपीट के साथ में बंदे फिर क्या बोलेंगे, अगेन, एक वर्ड और लगा देंगे अगेन, ये गलत है। कैन यू रिपीट सर, सर विल यू प्लीज रिपीट, रिपीट को वहीं खत्म कर दें, रिपीट बैक या रिपीट अगेन बोलना एक तरह से आपके एरर के दायरे में आएगी, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो रिपीट के साथ में आप अगेन का यूज प्लीज 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 कभी ना करें। एक और है रिप्लाई बैक, लिख देता हूं रिप्लाई। एक और है रिकॉल, मारुति ने इंजन के अंदर फ्यूल पंप की खराबी के कारण अपनी 600 कार क्या कर ली है, 600 ब्रीजर जो है वो रिकॉल बैक कर ली है, नहीं रिकॉल बैक नहीं रिकॉल कर ली है, तो ये रिकॉल, रिप्लाई, रिवर्ट, इनके साथ में आप क्या करेंगे, इनके साथ कभी भी आप बैक का यूज नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू दिस, ओके, इनके साथ में बैक का यूज असंभव है, आप इसके साथ इसका यूज नहीं कर सकते। कॉल के साथ, रिकॉल नहीं, कॉल बैक, है ना, कॉल बैक हो सकता है लेकिन रिकॉल बैक नहीं हो सकता, कॉल के साथ बड़ी आसानी से आप इजीली बैक का प्रयोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, सेम और आइडेंटिकल,
ये बुरा मत मानना गर्ल्स, गर्ल्स के लिए खासतौर पर कह रहा हूं, है ना, गर्ल्स बुरा ना माने। टीचिंग पॉइंट्स में कई बार टीचर को बहुत सी चीजें बतानी पड़ती है, उसमें टीचर जेंडर को लेकर के कोई चीज नहीं कहना चाहता। कुछ बंदियां कहती हैं कि दोनों की बहनें सेम टू सेम आइडेंटिकल लगती है, दोनों बहनें सेम टू सेम आइडेंटिकल लगती है। तो आइडेंटिकल अगर है कोई चीज, अगर अगर आप कहते हो कि आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आइडेंटिकल है तो वो एग्जैक्टली क्या है, आइडेंटिकल है तो एग्जैक्टली सेम है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप आइडेंटिकल बोलेंगे और या बोलेंगे सेम बोलेंगे, दोनों का प्रयोग आप एक साथ नहीं कर सकते। एक पैच अपना और भी आता है जिसको हम कहते हैं ना अपन कि सिंस के साथ में, द टाइम सिंस, सिंस के साथ में, और आप क्या बोलेंगे, सिंस द टाइम, या आप सुनेंगे पूरा। सिंस के साथ आप वेन का यूज कर सकते हैं, सिंस के साथ आप वेन का यूज कर सकते हैं कब, जब आपको क्वेश्चन बनाना हो, जब आपको क्वेश्चन बनाना हो तो बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंस के साथ द टाइम वेन का यूज नहीं कर सकते, है ना। और एक और चीज है कि सिंस जब कंजंक्शन होगा तो सिंस के साथ में आप वेन का भी यूज नहीं कर पाएंगे, कब, जब ये दोनों अलग अलग क्लॉज में होंगे तब आप इसके साथ वेन का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली सिंस के साथ अगर इकट्ठे है ना, सिंस वेन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है मैं आपको सिखाता हूं, आप जरा देख लें, गलत ना पड़े, हमारे पास बहुत वक्त है। जैसे मैंने कहा कि तुम कब से इंडिया में रह रहे हो, सिंस वेन, ये सिंस शुरू में आएगा, वेन उसके बाद आएगा, उसके बाद यहां पर फ्रेज आ जाएगा और उसके बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बारिश कब से हो रही है भाई, तो इंग्लिश क्या बनेगी, सिंस वेन हैज इट बिन रेनिंग, सिंस वेन हैज इट बिन रेनिंग। तो ऐसे में क्या ना, वह आपको क्या करना है वो उस पर कन्वर्ट करके और डब्ल्यू एच क्लॉज के साथ में उसको, सिंस को एड कर देना है, ठीक है। स्पेल आउट, तो स्पेल आउट तो पूरी की पूरी क्या है, डिटेल होती है। स्पेल आउट में तो पूरी की पूरी क्या आ जाती है, डिटेल आई जाती है ना स्पेलिंग की, तो स्पेल आउट के साथ में इन डिटेल का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे में ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो प्लीज स्पेल आउट योर प्रॉब्लम, तो ये सही है, या प्लीज स्पीक योर प्रॉब्लम इन डिटेल, ये भी सही है। ऐसे नहीं प्लीज स्पेल आउट योर प्रॉब्लम इन डिटेल, स्पेल आउट योर प्रॉब्लम इन डिटेल, ये नहीं हो सकता। यहां फ्रेंड्स आपको एक चीज सुननी चाहिए, टीचर का लेक्चर जो है वो ऑडियो को थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। स्पेल आउट इन डिटेल एक साथ हो चाहे दूर दूर हो, अगर वो एक ही क्लॉज का हिस्सा है तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता, वो एक्चुअली क्या है, गलत है। अच्छा, स्टिल माने अभी भी और रिमेन माने बचा हुआ है, तो स्टिल के साथ रिमेन्स का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको करना क्या है कि स्टिल रिमेन्स के साथ में रिमेन्स को रखना है और स्टिल को आपको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है ना, ठीक है। तो एडवर्ब के केस में क्वालिफाई करेंगे तो रिमेन्स क्या होगा, आपके समझने की कोशिश करना कि रिमेन्स यहां क्या है, रिमेन्स यहां पे वर्ब है, है ना, और वर्ब अगर है तो इसके साथ में आप पीछे ये स्टिल नाम की जो एडवर्ब है आप इस एडवर्ब को नीटली यूज कर नहीं पाओगे, है ना। आप अगर इसको बाद में लेना चाहते हो तो ये हो सकता है, अगर रिमेन के बाद चली जाती है, जैसे कि आप अगर इस क्वेश्चन को मैं यहां अलग से आपको दिखा देता हूं, द प्रॉब्लम रिमेन्स, फिर आप बोलोगे द प्रॉब्लम रिमेन्स, ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, स्टिल इन माई माइंड, तो ये बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि रिमेन्स जो है ये क्वालिफाई कर रहा था पहले आपके, तो इसको क्वालिफाई कर रहा था, किसको, रिमेन्स को स्टिल क्वालिफाई कर रहा था, पीछे की पोजीशन में गलत है, और यहां पर ये पोजीशन जो आपकी, यहां पर अगर आप इसको लेते हो और इसका पोजीशन अगर चेंज कर दो एडवर्ब की, तो यहां पर दिस विल बी वेरी मच ओके, बाय व्हाट मींस यू नो यू विल बी अलाउड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन इस पैटर्न में। एक और प्रॉब्लम आ जाएगी क्या, वो सडनली, और ये क्या है, एक्सप्लोडेड का मतलब क्या होता है, धमाका हुआ, एक्सप्लोडेड का मतलब धमाका। तो धमाका जब भी होता है आप याद रखें, दुनिया में जब भी जहां भी धमाका होगा वो बिना किसी नोटिस के होगा और वो बिल्कुल अचानक होगा, क्योंकि उसकी कोई पहले से आपको कोई इंटीमेशन नहीं मिलेगी। तो धमाका अगर अचानक होता है तो एज अ रूल हमको करना क्या पड़ता है, सडनली एक्सप्लोडेड जो है इसको हमको कभी साथ में यूज नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपके क्या है, एरर का ही एक पार्ट है, तो इसे आप एरर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों,
क्योंकि सडनली एक्सप्लोडेड ये अपने आप में क्या बन गई, एक तरह की एरर बन गई। अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो मैं स्लाइड के आगे फिर से आपको एक डिटेल दे दूंगा, एक और क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें, तो आप समझ जाएंगे। जो चीज होती ही अचानक है, जो चीज बिल्कुल अनप्लान्ड है, और जो चीज जो है हमारे बस में नहीं है कि मुझे पहले से गेस कर ले, उसके साथ में हम सडनली का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके पीछे मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा, क्या ही केम अक्रॉस किससे मिला वो, सिंपल सी बात है, ही केम अक्रॉस हिज फ्रेंड। अब देखो क्या होता है, ही केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब इसकी हिंदी क्या होती है, वेल इसकी हिंदी होती है अचानक से मिलना, अचानक मिल जाना। पास्ट टेंस में है, इसका मतलब अचानक मिल गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं पता आपको, कुछ लोग इस जगह एक वर्ड डाल देते हैं ही के बाद, कि ही सडनली केम अक्रॉस हिज फ्रेंड। एक्चुअली ये भी सुपरफ्लस हो गई, क्यों, क्योंकि सडनली की जरूरत ही नहीं थी, अचानक मिल गया तो वो अचानक तो केम अक्रॉस में शामिल है ही ना, तो आपको इस जगह सडनली का प्रयोग नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे अपन, ऊपर वाले पैटर्न में चलेंगे, तो थेरापेटिक माने चिकित्सा, है ना, थेरापेटिक माने चिकित्सा, ट्रीटमेंट माने भी चिकित्सा या उपचार। तो जब ये ऑलरेडी चिकित्सा से जुड़ा हुआ है तो उपचार से पहले इसको लेने की जरूरत क्या थी, थेरापेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि दुनिया का हर ट्रीटमेंट क्या होता है, थेरापेटिक होता है, तो आप थेरापेटिक के साथ में ट्रीटमेंट का यूज नहीं कर सकते। ये एक रूल है, इस रूल की अभी आपने को कभी भी उल्लंघना नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका पैटर्न क्या है, अनएक्सपेक्टेड माने अचानक से, अप्रत्याशित, और सरप्राइज माने अचंबा। तो अगर ये अप्रत्याशित और ये हो गया आपका अप्रत्याशित अचरज, तो अचरज जब होता है या अचंबा जब भी किसी को होता है तो वो तो हमेशा क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ही होता है, तो आप इसके साथ में आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसके साथ, अनएक्सपेक्टेड के साथ में आप सरप्राइज का यूज नहीं, सरप्राइज को आपको बोलना है। तो कुछ लोग बंदे ऐसे ही बोलते हैं सडन सरप्राइज, ये भी कलेक्टली देखा जाए तो कलेक्टल एक्सप्रेशन में ये रॉन्ग है, क्योंकि सरप्राइज जो होती है वो हमेशा सडन होती है। आगे चलेंगे, ये क्या है, मिस्टेक माने गलती। अगर मिस्टेक माने गलती है तो जाहिर सी बात है आपने उसे जानबूझकर नहीं किया होगा। तो अनइंटेंडेड माने जानबूझकर, और अनइंटेंडेड का मतलब है अनजाने में अगर है तो आप हिंदी में भले ही बोले अनजाने में मुझसे भूल हो गई, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये इंग्लिश में ये एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मिस्टेक जो होती है, अंग्रेजों का ये मानना है अंग्रेजी लैंग्वेज के रूप में कि दुनिया की मिस्टेक तमाम जो होती है वो क्या होती है, अनइंटेंशनल होती है, और अगर अनइंटेंशनल वो होती है तो नेचुरल सी बात है अनइंटेंशनल के साथ में आप मिस्टेक को यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसे में आपको अनइंटेंशनल को क्या करना है, हटा देना है। आगे चलेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, कस्टम माने रिवाज, और यूजुअल माने भी रिवाज के मुताबिक। तो यूजुअल के साथ कस्टम नहीं का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों, कस्टम हमेशा क्या होते हैं, दुनिया के तमाम कस्टमल क्या होते हैं, कस्टम्स, दुनिया के तमाम कस्टम जिनमें हम मान्यताओं को अपनी परंपराओं को मानते हैं वो यूजुअल ही होते हैं, और ऐसे में इस यूजुअल का प्रयोग आप उसके साथ नहीं कर सकते। एक और चीज है जो हमने अक्सर इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैडम को टीचर को बोलते हुए सुना है कि प्लीज राइट डाउन। तो राइट डाउन का मतलब, डाउन का मतलब भी नोट बनाना, नोट्स लिखना, है ना, नोट बनाना, और राइट जब करोगे आप तो हमेशा डाउन ही करोगे उसको, ये तो प्रूव है कि राइट डाउन का मतलब आप नेचुरल सी बात है, ऐसे तो कोई लिखता नहीं है हवा में राइट डाउन, ऐसे हवा में तो ही लिखता है, वो तो नीचे ही लिखेंगे ना राइट डाउन, तो इसका मतलब है प्लीज राइट योर नोट्स, प्लीज राइट स्मार्टली, प्लीज राइट फास्ट, प्लीज राइट योर नोट्स, ऐसे नहीं बोल, प्लीज राइट डाउन क्विकली, नहीं गलत है, प्लीज भी गलत है, प्लीज क्विक, है ना, नहीं राइट डाउन, आप उधर क्विकली बोल रहे हो तो इधर प्लीज नहीं बोल सकते अनइंटेंशनल, क्योंकि कमांड दे रहे हो आप, और दूसरी बात राइट के साथ डाउन होकर के आपका हेड, आपकी नेक, आपकी चिन, ये जो होगा हमेशा डाउन ही होगी, तो राइट डाउन या रिटन डाउन एक्सप्रेशन क्या होगा, वो गलत है ना।
रिटन डाउन एक कंटेक्स्ट में सही हो सकता है, जरा ध्यान देना, रिटन डाउन है ना, ये किसमें करेक्ट हो सकता है, ये अकाउंटेंसी में करेक्ट हो सकता है, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है ना अकाउंट्स, तो अकाउंटेंसी में करेक्ट कर सकते हो आप उसको, अकाउंटेंसी में जब आपका सब्जेक्ट के रूप में आप इसे लिखोगे यू कैन वेरी इजीली डू इट, है ना, अकाउंटेंसी में, अदरवाइज क्या है ये गलत हो जाएगा। रिटन डाउन वैल्यू होती है कुछ डेप्रिसिएशन जो होते हैं ना, जैसे किसी कंपनी में अकाउंट्स में गाड़ी रखी हुई है कि भाई हमारे पास चार ट्रक है, चार बसेस है कंपनी की, है ना, स्टाफ को लाने ले जाने के लिए, फिर 10 लाख की बस है वो 8 लाख की हो गई, 2 साल के बाद में वो 6 लाख की हो गई, 4 साल के बाद में वो 5 लाख की हो गई, तो ये 10 लाख से 5 लाख जो है वो उसकी रिटन डाउन वैल्यू है। क्या है? रिटन डाउन वैल्यू, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो डेप्रिसिएशन, तो वो उस कंटेक्स्ट में तो राइट हो सकती है। बाकी अकाउंटेंसी के अलावा नॉर्मल यूजुअल हमारे आपके जो के टीचिंग पॉइंट्स होंगे या लर्निंग पॉइंट्स होंगे उनमें ये कभी भी लागू नहीं हो सकती। इस चीज का प्लीज 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 थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम इसको क्लोज करें, इससे पहले मैं आपको दो बातें और जो है मेरे मन में है वो मैं समझाना चाहता हूं। पिछले फॉर्मेट से या पैटर्न में जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा मतलब फायदा देंगी, तो आप प्लीज उसको थोड़ा सा सीरियसली देखेंगे। और ऑडियो लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं पेन टैब के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक अपना ये जो डिजिटल पेन है इसको लिखने में मेरी स्मार्टनेस इतनी नहीं है। मैं जो भी सही बोलता हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे मन में छल कपट फरेब या बेईमानी नहीं है, राइट। 30 साल पढ़ाते हुए हो गए मुझे, 30 साल से मैं चौक से पढ़ाना शुरू किया था मैंने, चौक के बाद में उसके बाद में हम आए सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपके मार्कर पे आ गए थे, मार्कर के बाद में हम आ गए मल्टी कलर मार्कर पे, मल्टी कलर के बाद में स्मार्ट बोर्ड पे आए, स्मार्ट बोर्ड का भी पेन जो है उसको उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है तो उस पे लिखना है, और अब हम आ गए किस पे, पेन टैब वाले डिजिटल टैब पे और उस मार्कर पे, तो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है, बट आई होप यू अंडरस्टूड। दोस्तों रिडंडेंसी को आप अगर एक बार काबू कर लेंगे मैं आपको बताऊं तो आप दुनिया की किसी भी चीज का इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कर सकते हैं, और मैं इसी चैनल पर अनएकेडमी डिफेंस पर आपको करके दिखाऊंगा, आप जो बोलेंगे उसी को मैं लाइक लैंग्वेज की जो एफिशिएंसी होती है उसके थ्रू मैं उसको कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, एंड यू विल गेट टू नो दैट वेल दिस इज समथिंग वेरी यूजुअल, यू नो दिस इज वेरी वेरी ईजी, यू नो बाई अ कॉमन मीन्स टू अटेंड, कि आपको इन चीजों को इन वर्ड्स के साथ रखना है, इन चीजों को इन वर्ड्स के साथ नहीं रखना है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, आपको याद हो तो, कि अक्सर लड़कियां कहती है कि तेरे पे रेड कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, तेरे पे रेड कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, तेरे पे पर्पल कलर का सूट या टी शर्ट बहुत जचती है। तो आप पर्पल सूट बोल दो ना, रेड लिपस्टिक बोल दो ना, कलर बोलने की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से पता है अगर आप रेड बोलो और या आप रेड के साथ में क्या बोलोगे, पर्पल बोलो, रेड या पर्पल बोलो, इन दोनों के साथ में आपको कलर बोलने की जरूरत क्यों नहीं है? उत्तर सिंपल सी बात है, रेड और पर्पल तो होते ही कलर हैं, तो इनके साथ कलर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं वॉकअप का वादा करता हूं बहुत खूबसूरत शानदार एकदम क्रोनोलॉजी के साथ में सिस्टमेटिक ऑर्डर से मैं आपके लिए वॉकअप का जब लेसन शुरू करूंगा तो यू विल रॉक लाइक स्टार, यू नो आई टेल यू, दिस इज माई प्रॉमिस। Thank you very much. You were watching Duplication, Superfluity and Redundancy Error, you know, with Sunil sir on Unacademy Defence. अगले segment में हम आपके लिए कुछ और चीजें लेके आएंगे इसी से जुड़ी हुई, और उसमें टीचिंग का प्रोसेस मेरा बिल्कुल अलग होगा। उसमें ज्यादातर मैं क्या करूंगा, टैब का इस्तेमाल करते हुए आपको टीचिंग पॉइंट्स में लेकर के आऊंगा, और बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छी अच्छी चीज में आपको इसमें रिडंडेंसी में आपको दोबारा से सिखाऊंगा। तो आई होप यू विल कोऑपरेट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं एफबी पेज बना रहा हूं, टेलीग्राम लिंक बना रहा हूं, तो बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा, तो उसमें सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं कभी भी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ देना, और लाइव सेशन पहले जैसा अपन करते थे लाइव सेशन में आएंगे तो लाइव सेशन में भी हम उस चीज को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, लर्न करेंगे, रिजॉइस करेंगे, और बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना अपन पॉम्प एंड शो के साथ में, मौज मस्ती के साथ में इंग्लिश को एक बहुत ही ऑथेंटिक बट फनी वे में हम आपको इसको टीचिंग प्रोसेस के साथ लेके चलेंगे। आई होप यू हैव लव्ड इट दिस एंड यू विल कंटिन्यू टू लव, है ना, ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी, बींग विद अस, एंड दिस इज वॉट वी विल ऑफर यू
in the long run, you know, when we go elevated by means of, you know, more elegantly designed, you know, question answer and content along with the most like relevant study material for defense exams, in particular NDA, CDS and exams and all. Thank you very much. You are watching Unacademy Defence, and this is Sunil sir saying you goodbye for the day.